नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में काफ़ी हमें अच्छी तेज़ी के बाद जो है प्रॉफिट अपने फ्राइडे के दिन लगभग 2.30% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये गिरावट आई है, ये गिरावट आपको इसी प्रकार से कब तक देखने को मिल सकती है। जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पे अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, आपका सबसे बेस्ट लेवल बाई करने के लिए कौन से रहने वाला है, आपका कौन सा रहेगा टारगेट और आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, जो करंट बाई कर रखे हैं और जिनको नया बाइंग करनी है उनका SL कहाँ पर होगा, तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अगर आप देखें तो मैं अगर हम बात करें ट्रेड की कि कैसे हमें ट्रेड देखने को मिली, तो ओपनिंग हमें 28.40 रुपये पर देखने को मिली थी फ्राइडे को, और 28.40 रुपये पर ओपनिंग के बाद इसने लगभग 28.90 रुपये का अपना हाई टच किया था। देन जो है लगातार हमें इसमें गिरावट देखने को मिली और लगभग 27.40 रुपये का इसने अपना लो टच किया था, और जो हमें ओवरऑल गिरावट देखने को मिल रही है वो 2.30% की गिरावट के साथ 27.60 रुपये पर हमें जो है इसमें बंद होता हुआ शेयर देखने को मिल रहा है। बात की जाए वन वीक में, तो वन वीक में लगभग 5.54% हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव साइड पर, और वन मंथ में लगभग देखें तो 39.04% रिटर्न, तो धमाकेदार रिटर्न इसमें हमें देखने को मिले हैं एक महीने में, और 6 महीने में तो इसने जो है पैसा डबल कर दिया है। 100% हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 6 महीने के अंदर, इसने बहुत ही अच्छा जो है पैसा लोगों को बनाकर दिया है। अब बात करते हैं इसमें कैसे क्या हमें वॉल्यूम देखने को मिले थे फ्राइडे को। तो अगर आप देखें फ्राइडे का जो वॉल्यूम था वो लगभग 1,54,00,000 और 46,292 शेयरों का हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला था, और ऑर्डर बुक में देखें तो लगभग 1,00,000 के आसपास हमें ऑर्डर अभी भी देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हमें बाइंग साइट पर देखने को मिल रहे हैं। जो ये गिरावट आई है वो मात्र एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग क्यों मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें वॉल्यूम कैसा अभी कुछ दिनों में रहा है। तो अगर आप गौर करें तो लगातार वॉल्यूम में हमें गिरावट देखने को मिली है जो लास्ट 5 दिन इसमें ट्रेड हुई है, मतलब कि अब थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो डिलीवरी परसेंटेज हमें अभी भी 63.3% देखने को मिला, तो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, मतलब कि लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें चार्ट पे हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो चार्ट पर अगर आपको याद होगा ध्यान से कि हमने जब ये शेयर लगभग 16 रुपये के आसपास चल रहा था, जब यहाँ कहीं स्टॉक घूम रहा था, इस रेंज में फंसा हुआ था, हमने आपको बोला था कि ये एक बहुत अच्छा समय है इस स्टॉक को खरीदने का, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत जल्द हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। तब से देखिए ये स्टॉक हमें लगातार भागता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक तब से जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो पुरानी रणनीति कि हमने आपको बोला था कि हाँ बाई कर लो, ये रहेगा आपका टारगेट, क्योंकि हमारे जो टारगेट थे 22 रुपये 23 रुपये 30 पैसे यहाँ टारगेट थे, और जितने भी हमारे टारगेट थे 2300 रुपये तक कमाल टारगेट हमने आपको दिया था, ये टारगेट हमारा बहुत जल्दी अचीव हो गया था। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 2600 रुपये का, वो भी हमारा अचीव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आपकी रणनीति आगे क्या रहेगी। तो देखिए जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर आपने बिल्कुल बॉटम से बाई कर रखा है, मान लीजिए आपने 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये से बाई कर रखा है, तो देखिए पहली चीज तो क्या है, क्योंकि ये देखिए अगर अपना आप शेयर देखें तो ओवरबॉट चल रहा है, ठीक है। इसका RSI देखिए 80 क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहें, ठीक है, कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जब भी ये शेयर अपना ओवरबॉट हुआ है हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग क्या करें, इसको अपना कुछ क्वांटिटी बुक कर लें। मान लीजिए आपके पास 100 क्वांटिटी थी, आप जो है 40-60% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, बाकी की क्वांटिटी, क्योंकि आपका ये जो 26.5 रुपीज़ का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा, ठीक है। तो आप अपना सपोर्ट यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, और सेकंड सपोर्ट जो हमें देखने को मिलना है वो यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, जो कि आपकी 24.90 रुपये का है। तो आप जो है जो अगर आप सेफ साइड पर खेलना चाहते हैं, तो सेफ साइड में इन्वेस्टर के लिए जो हमें सपोर्ट देखने को मिलना है वो 26.55 रुपये का है। तो जो लोग भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पहली तो चीज़ क्या है कि इसको प्रॉफिट बुक कर लें कुछ क्वांटिटी, बाकी की क्वांटिटी आप जो है 26.55 रुपये के सपोर्ट लेके इसको होल्ड कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे का आप जो है अपना SL रख लीजिए, बाकी की क्वांटिटी आप होल्ड कर लीजिए, ठीक है। ये तो बात रही जिनको अपना फ्रेश बाइंग करनी है, ठीक है। अब बात माफ कीजिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अब बात करते हैं फ्रेश बाइंग जिनको करनी है वो अब क्या करें, ठीक है। तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहेगा जब ये इसका हाई तोड़ेगा, जो कि आपका 2900 रुपये का जो लेवल है, ये आपका जो बोले थे ये एक आपका रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाया, तो ये आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपको 2900 रुपये के लेवल का टूटने का वेट करना है, जब ये 2905 रुपये के लेवल को ब्रेक कर देन आप अपने अपनी इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो SL रहेगा वो आप जो है लगभग फिर इसी लेवल के नीचे का अपना SL लिख के इसमें आप अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी आपको बाई नहीं करना, जो भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हो तो इन्वेस्ट रहे आपका प्रॉपर SL के साथ, लेकिन जिनको नई बाई करनी है तो उनको अभी प्रॉफिट नहीं होगा जब तक ये अपना 29.05 रुपये का जो आपका रेजिस्टेंस का लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर देता। जब ये इस लेवल को ब्रेक करे तभी आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, क्योंकि जब ब्रेकआउट होगा तभी हमें अपना पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर अपना ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पे अपना कंसोलिडेट करता रहे, यहाँ पर घूमता रहे, इसी रेंज में भागता रहे, या डाउन ट्रेंड अपना जो
जो अपने हमारी सपोर्ट लेवल बन रहा है इसको ब्रेक कर दे। तो अभी हमें बाइंग करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है जब तक इसमें ब्रेकआउट ना हो। जब हमें ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे कि हाँ इसमें अब ब्रेकआउट हो गया है और आप अपनी इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अभी आपको एंट्री गलती से भी नहीं लेनी है। जो भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हैं वो लोग प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। और जिनको नई बाइंग करनी है वो क्या करें इसमें अभी वेट करें। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप क्वांटिटी होल्ड करेंगे आपको लगभग 26 रुपये 55 पैसे के आसपास का जो है आपको रखना है अपना SL, ठीक है। बाकी आपका जो टारगेट नंबर वन रहेगा अगर ये ब्रेकआउट होता है वो रहेगा आपका लगभग लगभग पहले तो 29 रुपये 5 पैसे रजिस्टर का जोन है, तो ये तो आपका टारगेट नंबर वन हो गया। टारगेट नंबर टू आपका 31 रुपये 20 पैसे आपको टारगेट नंबर टू रहेगा। और टारगेट नंबर जो थ्री रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग लगभग 31 रुपये, माफ कीजिए 33 रुपये 80 पैसे, ठीक है। ये आपका टारगेट नंबर थ्री रहेगा। ये आपके आगे के तीन टारगेट रहेंगे और आपको इनको फॉलो करना है अगर आप जो है अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। बाकी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको दिक्कत समझ में हुई हो तो आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे फ्री टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर क्लिक करते हैं हमारे ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इंट्राडे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स आपको जो है हम पर डे जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की इंडेक्स की ट्रेड होती हैं ऑप्शंस की वो बिल्कुल आपको फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं। उस ग्रुप में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों ये था वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड थैंक यू।